राम राम जी सारे ने। मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर सांझ के सिड़े पर फिर तक स्वागत करूँ। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मात्र आपके पास मोटा मोटा 10 दिन का समय रहेगा, क्योंकि पेपर से 4-5 दिन पहले तो वैसे भी पढ़ाई को छोड़ देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो माइंड रिलैक्स हो जाता है 2 या 3 दिन पहले। तो मात्र आपके पास मोटा मोटा 10 दिन का समय रह गया है। अंतिम 10 दिन के अंदर आपको किस हिसाब से तैयारी करनी है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, अंतिम 10 दिन के अंदर आपको क्या पढ़ना है, क्या रिविजन मारनी है। नए बच्चों के लिए अब कुछ भी नहीं है भाई। नए बच्चे अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े और आपने सोचो भाई आखिरी के 10 दिन में पढ़ के मैं झंडे गाड़ दूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बेशक से पेपर देने की टाल कर दो। वैसे अगर घूम के आना है भाई, ऐसे भाई दिल्ली घूम के आना, चंडीगढ़ घूम के आना, तो भले ही आप पेपर दे सकते हो, वैसे बाकी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, 32 लाख टोटल फार्म भरे गए हैं, बच्चों की इंद्रियाएं लगी हैं। अब स्कोर कैसे करें, 75 का स्कोर कैसे होगा, कट ऑफ आई जाओगी, कंपटीशन कितना रहेगा, सारी की सारी बातें आपके साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। कितना आपके पास कंपटीशन रहे, कितने कट ऑफ जाएगी, बच्चे अप्रोक्स कितने बैठते हैं, सीजीएल सीएचएसएल की जिस टाइप से आई कट ऑफ गई है, क्या आपकी भी उसी टाइप से आई कट ऑफ जाओगी, जो जीएस आपका जिक्के के अंदर स्कोर नहीं बढ़ने लग रहा, मतलब मेरा तारा स्कोर कौन बढ़ता। ठीक है, मॉक टेस्ट के अंदर स्कोर नहीं बढ़ने लग रहा, मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपकी आपका कितना स्कोर आपका मतलब अच्छा स्कोर है, देखो सारी की सारी चीजें आपका क्या कुछ मैटर है। सबसे पहले तो फॉर्म देखो भाई, फॉर्म आपके पास एग्जाम के अंदर टोटल 32 लाख फॉर्म भरे गए हैं भाई। टोटल है आपके पास एग्जाम के लिए जो एक आरटीआई लगाई थी, ठीक है, 32,43,083 फॉर्म है आपके पास भरे गए हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए। इसमें ये अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जनरल कैटेगरी के 5 लाख, ओबीसी के 13 लाख, एससी के 8 लाख, ईडब्ल्यूएस के 2 लाख और एसटी के मोटे मोटे 3 लाख फॉर्म हैं भरे गए हैं। और वैकेंसीज आपकी मात्र 7,547 हैं। अब ये जैसे 32 लाख फॉर्म है, आप ये मत समझो 32 लाख का कंपटीशन है। जो ऑन एंड एवरेज एसएससी के एग्जाम होते हैं, एवरेज मतलब कि जैसे आपका सीजीएल का हो गया, ठीक है, सीएचएसएल का हो गया, आपका सीपीओ का हो गया, या फिर आपका एमटीएस का हो गया, इनके अंदर हम लोग जो देखते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, उसके तहत क्या पता लगता है कि अप्रोक्स मोटा मोटा आपके पास सिर्फ 50% बच्चे ही पेपर देने जाते हैं। एवरेज मोटे मोटे 50%, यानी 32 लाख फार्म है। आगे सारा बताऊंगा, सारा लिख के लेके आ रहा हूं, कट ऑफ कितनी रहेगी 2023 की, जीएस के लिए स्कोर कैसे बढ़ाएं, सब बताऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, तो मोटा मोटा यानी कि आप लोग इसका अदा कर दो, आपका कितना हो गया, आपका 2 एकम 2, 2 छक्के 12 कि मोटे मोटे आपके पास 16 लाख बच्चे, मोटे मोटे आपके पास 16 लाख बच्चे ही आपका पेपर देंगे। 16 से 17 लाख लगा लियो बेस, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा बच्चे आपके एग्जाम के अंदर नहीं बैठेंगे। आप लोग ये सोच के मत घबराना, 32 लाख फॉर्म भरेंगे तो क्या पहाड़ टूट जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ मोटे मोटे जो अप्रोक्स जो एसएससी का एनालिसिस उसके हिसाब से बताने लग रहे हैं, अप्रोक्स मोटे मोटे 16 लाख बच्चे ही एग्जाम के अंदर बैठते हैं, 50% ही बैठते हैं, 50 भी मैंने ज्यादा ही बता दिया, इससे भी कम ही बैठेंगे। ठीक है, तो इतने बच्चे आपके एग्जाम के अंदर बैठेंगे। उसके बाद बच्चों के अंदर ये डाउट रहता है, जैसे कंपटीशन भी तो बहुत ज्यादा है भाई, 7,547 वैकेंसी, बच्चे 16 लाख हैं, आगे बताऊंगा सब कुछ। कट ऑफ कितनी रह सकती है, सारे बच्चे इसी डाउट के अंदर, भाई कितना पढ़ें भाई। देखो पहली बात तो एग्जाम से पहले कट ऑफ बताना एक तरीके से इम्पॉसिबल सा काम है भाई। जब तक आप लोगों का एग्जाम ही नहीं आया है अभी, हमको यही नहीं पता पेपर का लेवल कैसा है। कट ऑफ वगैरह पेपर के लेवल पे डिपेंड करती है, पेपर का लेवल 2020 का पेपर का लेवल अलग है, 3 साल हो गए पेपर हुए, अब के बार लेवल कुछ और आएगा। ठीक है, तो जो 2020 की जो कट ऑफ आई थी, अभी बताऊंगा 2023 के भी क्या कुछ रहेगा, वो मोटे मोटे कितनी रही थी आपके पास, जनरल कैटेगरी की 72, ईडब्ल्यूएस की 62, ये अप्रोक्स बताने लग रहे हैं, ओबीसी की 68, एससी की 57 और एसटी की 65। लेकिन उस टाइम वैकेंसी भी तो कम थी, मात्र अप्रोक्स मोटी मोटी 5,000 वैकेंसी थी सारी ही, अब की और वैकेंसी भी ज्यादा, और फॉर्म भी उस टाइम कम ही अप्लाई करे गए थे, मोटे मोटे अप्रोक्स 29 लाख फॉर्म ही भरे गए थे। ठीक है, अब की बार फॉर्म भी आपके 3 लाख फॉर्म ज्यादा हैं। ठीक है, तो वैकेंसी भी तो फालतू है, 5,000 से 7,000 भी तो वैकेंसी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो आपका अगर पेपर का लेवल, जो 2020 के अंदर जो पेपर आया था, अगर आपके पेपर का लेवल वही रहता है सेम टू सेम, तो वैकेंसी जितनी बढ़ी है उतने आपके फॉर्म भी बढ़ गए, तो अप्रोक्स आपकी कट ऑफ है आपकी, ये तो फाइनल कट ऑफ है, ये तो आपके क्या फाइनल कट ऑफ है, फिजिकल के लिए है आपके क्या कितने गुना, आपके मोटे मोटे फिजिकल के लिए आपके 12 से 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, 12 से 15 गुना बच्चों को है फिजिकल के लिए बुलाया जाता है आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, अब जैसे वैकेंसी आपकी कितनी है, आपकी 7,500 लगा लो एक बार के लिए अप्रोक्स। ठीक है, और इसका अगर आप लोग क्या नाम है, ज़्यादा से ज़्यादा फालतू से फालतू मान के चलो 15 गुना भी अगर आप लोग बुलाओगे तो भी डायरेक्ट कर लो, 15×75 5 हासिल, 15×7 105, 105 और 7 कितने हो गए आपके पास, 112 मोटे मोटे की आपके पास। ये देखो भाई कि 1 लाख
आपके पास 12,000 अगर बच्चों को भी बुलाया जाता है, ठीक है, मोटे मोटे अगर आपके पास 1,12,000 बच्चों को भी अगर बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, तो फिजिकल के लिए तो कट ऑफ आपकी बेहतर नहीं रहेगी, फिजिकल के लिए तो कट ऑफ आपकी और भी नीचे जाएगी, क्योंकि फिजिकल के लिए तो ज्यादा बच्चों को ही बुलाया जाएगा ना भाई, अप्रोक्स आपके 12 से 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए, 12 गुना करोगे तो भी अप्रोक्स 1,00,000 बच्चे तो बुलाए जाएंगे, अप्रोक्स आपके 1,00,000 बच्चे तो फिजिकल के लिए बुलाए जाएंगे, 1,00,000 तो बुलाए जाएंगे फिजिकल के लिए, चीज़ तो मानते होगे, तो यानी कि ये बेहतर कट ऑफ है, तो फाइनल कट ऑफ थी भैया फिजिकल होने के बाद जब सारा सिस्टम हो गया उसके बाद की कट ऑफ है बेहतर, तो यानी कि जो आपकी फिजिकल के लिए जो कट ऑफ होगी वो तो ये बेहतर से भी कम लगेगी आपकी, बेहतर से भी कम लगेगी आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ, अगर आपका मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपका 65 के आसपास का अगर स्कोर आने लग रहा है 65 के आसपास, तो आप लोग ये समझो आप लोग लगभग सेफ जोन के अंदर हो, ठीक है, अगर आपका मॉक टेस्ट के अंदर 65 के आसपास का स्कोर आ रहा है तो आप लोग सेफ जोन के अंदर हो। अब बात करें 2023 की कट ऑफ, अगर पेपर का लेवल 2020 वाला था तो कट ऑफ आपकी 72 के आसपास ही रहेगी, फाइनल कट ऑफ बताने लग रहा हूँ, ठीक है, फिजिकल के लिए नहीं, फाइनल कट ऑफ आपकी 72 के आसपास ही रहेगी, ठीक है, ज़्यादा हाई जाने की उम्मीदें कम है, अगर पेपर आसान आ गया, जैसे CGL CHSL की कट ऑफ हाई क्यों जाने लग रही है क्योंकि भाई उनके मतलब उनका सिस्टम अलग है भैया, उनका जैसे पिछले वाले बच्चों की ज्वाइनिंग अभी तक हुई नहीं, वो भी पेपर के अंदर बैठ जाते हैं, ठीक है, तो वही बच्चे बार बार रिपीट है, तो कट ऑफ तो आई जाएगी, अरे इनका तो पेपर 2020 के अंदर था, पिछले वाले बच्चे तो बच्चे ही नहीं हुए, नए बच्चे आने लग रहे हैं, ठीक है, तो अगर पेपर का लेवल अगर आसान आ जाता है, जैसे CGL CHSL का पिछले सालों की तुलना में आसान लेवल आने लग रहा था, तो उस हिसाब से तो कट ऑफ हाई भी जा सकती है, लेकिन वो सारा पेपर के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, पिछली बार वाला जैसा अगर पेपर का लेवल था तो यही इसी के आसपास डोलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। अब JKGS के लिए क्या करें भाई, JKGS का बहुत बच्चों को टेंशन हो रहा है भाई, JKGS के अंदर जैसे कई बच्चों के मान लो मतलब जैसे मैथ है, मैथ के अंदर आप लोगों का एक है फिक्स स्कोर रहता है भाई, मैथ के अंदर जैसे भाई मान लो आपके 15 क्वेश्चन आने, 15 के अंदर से मैक्सिमम बच्चों के आपके 12-13% ठीक कर देते हो आप लोग, ठीक है, रीजनिंग के लिए भी आप लोगों का एक अच्छा स्कोर रहता है, आप लोग एक अच्छा स्कोर कर देते हो रीजनिंग के लिए भी, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आने, आप 25 के अंदर से आराम से मैक्सिमम बच्चे आपके 22-23% तो ठीक कर ही देते, कंप्यूटर के अंदर भी अच्छा कर लेते हो, लेकिन JKGS में क्या करते हो भाई, मॉक टेस्ट अगर आप लोग करने लग रहे हो, कभी तो आपके नंबर आ जाते हैं 18, ठीक है, कभी आपके नंबर आ जाते हैं कितने 25, कभी आपके नंबर कितने आ जाते हैं 30, और कभी आपके नंबर कितने आ जाते हैं, आपके नंबर कभी कभी 35 भी आ जाते हैं, ये JKGS की बात करने लगे रहे हैं जो आपकी 50 नंबर की आनी है, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का एक स्कोर फिक्स नहीं रहने लग रहा, तो आप लोगों को इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर आप लोगों को अगर आपका स्कोर फिक्स नहीं रहने लग रहा तो घबराने की जरूरत नहीं है, जोन सा पर्सन आप लोगों को ये लगे ना भाई ये किसी बुक के अंदर नहीं है, मैंने कभी भी नहीं पढ़ा, तो वो पर्सन आपने नहीं, वो पर्सन किसी भी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा, ठीक है, वो पर्सन आपके लिए भी हार्ड है, अगर मैं वहां पर बैठा हूं तो मेरे लिए भी हार्ड है, या कोई और बच्चा बैठा है तो उसके लिए भी हार्ड है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपने आपको ये लगता ना मैंने पूरी जीके पढ़ रखी है, ठीक है, अच्छे से मैंने तैयारी कर रखी है, अपने हिसाब से बेस्ट तैयारी कर रखी है, उसके बावजूद भी अगर आपके 18 का स्कोर आता है या 25 का स्कोर आता है तो डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा बच्चा है उसके भी उसी मॉक टेस्ट में उतना ही स्कोर आने लग रहा है, ठीक है, आप लोग जैसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट देते हो तो आप लोग उसके अंदर देखते भी होगे, जो एवरेज स्कोर है वो हर बच्चे का उतना ही मिलेगा उस सब्जेक्ट के अंदर जितना आपके मिलेगा, और कई प्लेटफॉर्म वैसे तब बार बार टेस्ट दे सकते हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं वैसे मतलब कि आप लोग उनसे उनको मत देखा करो भाई, मतलब कि आप टेस्ट दे लिया उसको दोबारा फिर रीअटेम्प्ट कर देते हैं, उन्हीं आंसरों को फटाफट छाप देते हैं, तो उसके अंदर वो मतलब वो एग्जैक्ट रैंक नहीं होती जो आपकी प्लेटफॉर्मों के अंदर दिखाते हैं, ठीक है, तो उससे आप लोगों को डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी मतलब कि आपको अगर ऐसा लगता है ना मैंने सब कुछ पढ़ रखा है फिर भी अगर उससे बाहर अगर कुछ दिखाई दे रहा है तो आप लोग ये समझो वो पर्सन सबके लिए मुश्किल है, आपके लिए नहीं है, सबके लिए मुश्किल, तो उससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, स्कोर मॉक के अंदर अगर आपका स्कोर अभी के हिसाब से अभी जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं मार्केट में उसके हिसाब से अगर आपका स्कोर 65 के आसपास डोलने लग रहा है तो आप एक अच्छे सेफ जोन में हो, ठीक है, आप लोगों को घबराने की डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग एक सेफ जोन के अंदर हो अगर आपका स्कोर 65 के आसपास डोलने लग रहा है, ठीक है, तो ये थी आप लोगों की अंतिम 10 दिन के अंदर स्ट्रैटेजी, अंतिम 10 दिन के अंदर आप लोगों को है
मैं डेली रात को 8:30 बजे लाइव क्लास लेता हूँ, ठीक है। उसके अंदर डेली है जो भी एसएससी ने इस साल 2023 के साल के अंदर जितने भी क्वेश्चन दिए हैं जीके जीएस के अंदर, वो सारे के सारे करवाने लग रहे हैं, क्योंकि बार बार रिपीट होने लग रहे हैं। जैसे आपका ये था मौलिक कर्तव्य, ये प्रश्न बहुत बार रिपीट होने लग रहा है, हर एसएससी के हर एग्जाम के अंदर आने लग रहा है, मौलिक कर्तव्य संबंधित एक क्वेश्चन पक्का, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य बार बार करवाने लगे, मतलब जितने भी एसएससी में अभी इसी साल के अंदर जो पूछे सारे के सारे डेली रात को 8:30 बजे लाइव करवाने लग रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप लोगों को आखिरी के 10 दिन में फटाफट फर्स्ट रिवीजन मारनी है तो, ठीक है भाई। तो सारे राम राम, धन्यवाद। ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, लड़ा ले लो, खेजो फटाफट।